हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सेम है, मतलब सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस आपका आईएफएससी कोड जो है वो बदल गया है। वो किस वजह से बदला है कि भाई आपका पहले बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक था, या फिर अब कोई दूसरा हो गया है, या फिर पहले कोई और था अब कोई वो दूसरा हो गया है, दोनों बैंक एक साथ मर्ज हो गए हैं, जिस वजह से आपका बैंक तो सेम है, अकाउंट नंबर भी सेम है, मतलब सब चीजें सेम है, बस आईएफएससी कोड आपका गलत हो गया है और वो आपका पीएफ अकाउंट में प्रॉब्लम कर रहा है पीएफ निकालने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने आईएफएससी कोड को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको जाना पड़ेगा पीएफ की वेबसाइट पर, यहां पर कर देना है पीएफ लॉगिन। तो यहाँ पे आगे पीएफ लॉगिन पे हमारा, यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डालना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। जैसे आप इसमें पासवर्ड और वो डालोगे, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, आपको इसमें कैप्चा भर देना है। जब आप इसके अंदर एंटर करोगे तो भाई यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो पीएफ अकाउंट है, ये देखिए यहाँ पे आपका बैंक का नाम तो सब कुछ सही है, मतलब बस आईएफएससी कोड आपका जो है वो गलत हो गया है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, आपको आईएफएससी कोड को अपने को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी केवाईसी को अपडेट करना पड़ेगा, सारी चीजें उनको दोबारा से बतानी पड़ेंगी। सिर्फ आप अपना आईएफएससी कोड जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आपको जो अपनी बैंक की केवाईसी जो है वो दोबारा से अपडेट करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडो दिख रही होगी सामने आपको होम की, तो यहाँ पे जो है ये मैनेज में जाना पड़ेगा, आपको केवाईसी में जाना पड़ेगा। जब आप केवाईसी में जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक की केवाईसी में जाना पड़ेगा। जैसे आप अपनी बैंक की केवाईसी में जाओगे तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपकी पहले वाली दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे बैंक दिख रहा है, यहाँ पे नाम दिख रहा है, यहाँ पे आपका पंजाब नेशनल बैंक और जो भी चीजें यहाँ पे दिख रही है इनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, जो आपकी नई वाली है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा नया वाला। जैसे आप इसको कर दोगे तो यहाँ पे आपको कर देना है सिर्फ सेव, यहाँ पे आपको कर देना है सिर्फ सेव। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ जाएगा अप्रूव्ड और यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर जो आपका जो स्टेटस है, ये वाला बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वाला, ये आपका चेंज हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए, तीन दिन लग जाए, या फिर हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कब अप्रूव करते हैं। जैसे आपका ये हो जाएगा फिर आपको पीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इस वीडियो में कुछ खास है नहीं, सिर्फ इतना ही बताना था कि आप अपने आईएफएससी कोड को कैसे अपडेट कर सकते हो अपने पीएफ वाले लॉगिन वाले पेज पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको इसकी जरूरत हो। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।